पर आपके साथ मैं हूं अरुजा। पंजाब कांग्रेस की राजनीति में बड़ी हलचल मच सकती है। उप मुख्यमंत्री हरजिंदर सिंह रंधावा अचानक कैबिनेट मंत्री प्रगट सिंह अमरिंदर सिंह राजा बडिंग व भरत भूषण आशु के साथ दिल्ली पहुंचे। बताया जा रहा है कि यह नेता दिल्ली में राहुल गांधी से मुलाकात करने गए हैं। यह नेता पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू द्वारा सरकार के खिलाफ की जा रही टिप्पणियों से नाराज है और सिद्धू की शिकायत राहुल से करना चाहते हैं। इनमें से प्रगट सिंह सिद्धू के सबसे ज्यादा नजदीकी लोगों में माने जाते हैं। बता दें कि उप मुख्यमंत्री हरजिंदर सिंह रंधावा व भरत भूषण आशु खुलकर सिद्धू की टिप्पणियों को लेकर नाराजगी भी जता चुके हैं। रंधावा ने तो सिद्धू को यहां तक कह दिया है कि वह अपनी जुबान बंद रखे। रंधावा ने गत दिवस भी चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा है कि सिद्धू मजीठिया के खिलाफ केस के मामले में गलत बयानबाजी कर रहे हैं और उन्होंने सिद्धू को ऐसी बयानबाजी ना करने की भी नसीहत दी है। सूत्रों के मुताबिक पंजाब चुनाव को देखते हुए ये नेता चिंतित है कि कहीं सिद्धू के बयानों के कारण पार्टी को नुकसान ना उठाना पड़े। इसी के मद्देनजर वह राहुल गांधी से मिलकर सिद्धू की टिप्पणियों के बारे में उनसे बात करना चाहते हैं। सूत्र तो यह भी बताते हैं कि हरजिंदर सिंह रंधावा चाहते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश प्रधान पद से हटाकर पार्टी की कमान उन्हें सौंपी जाए शामिल रहे और अब अचानक इन नेताओं का एकजुट होकर दिल्ली राहुल गांधी से मिलने जाना पार्टी के अंदर मचे घमासान को बताता है। पंजाब में कांग्रेस तमाम प्रयासों के बाद भी नेताओं को एकजुट करने में असफल रही है। चन्नी के सीएम बनने के बाद भी उम्मीद थी कि अब राज्य में कांग्रेस में मचा घमासान शांत हो सकता है, लेकिन चन्नी के शपथ ग्रहण के 10 दिन बाद ही सिद्धू ने एजी व डीजी को पद से हटाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था और इसके बाद चन्नी व सिद्धू के बीच में केमिस्ट्री खराब हो गई। हालांकि बाद में एजी व डीजी को बदल दिया गया था, लेकिन पार्टी के अंदर घमासान और तेज हो गया। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कॉमेंट बॉक्स में लिखी। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।